मार्च में कॉलेज वापस आ सकती है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो सब हो चुका है. तो टुडे आई एम हियर अ जज राइट हियर फॉर क्षितिज एडमिटेड बाय कॉलेज. मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे एंड आई नो दैट द टीम पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू पुट अप अ रियली बिग फेस्टिवल. हमेशा सक्सेसफुल होता है. वेरी ऑफन आई एम जजिंग म्यूजिक एंड डांस जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आज एक फैशन इवेंट जज करने आई हूँ कॉल प्रीमाडोना. सो दैट्स रियली नाइस बिकॉज यू ऑल नो हाउ मच आई लव फैशन और मुझे नया टैलेंट देखना बहुत अच्छा लगता है. आई मीन मेरी पढ़ाई लंदन और फ्रांस में हुई भी है और हमारी इट्स वेरी डिफरेंट है, लेकिन हाँ हमारे भी फेस्टिवल्स होते थे शायद छोटे स्केल पे इससे, हालांकि कॉलेजेस वहाँ पे बहुत बड़े हैं. तो हम क्या करते थे, हम दिवाली फेस्टिवल करते थे, इटालियन लोग अपना कुछ करते थे और अलग अलग लोग अपना करते थे. सो माई कॉलेज इयर्स वर द बेस्ट ऑफ माई लाइफ. वो दिन कभी वापस नहीं आते एंड आई थिंक आई वेंट टू द बेस्ट institutions in the world. और वहीं से मेरी पर्सनैलिटी ऐसे बनी, वहीं से मैंने प्रोफेशनली गाना शुरू किया. मेरा जब गर्ल बैंड का पहला एल्बम आया था संसारा का, मैं कॉलेज में ही थी. सो वहीं से मेरा करियर शुरू हुआ. तो आई कैन नेवर फॉरगेट. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बचपन से जिस किसी स्कूल में मैं गई हूँ उन्होंने हमेशा ये सिखाया. मेरा जो स्कूल था फ्रॉम द एज ऑफ 11 टू 17 वो ड्रामा और म्यूज़िक के लिए बहुत फेमस था और वहीं से मुझे my real love for music started, my love for drama, for acting, for all those things started. और of course मैं sports में netball captain भी थी. तो हम इतना सब कुछ करते थे कि it makes you a very well-rounded person. And I think ऐसे festivals बहुत ज़रूरी होते हैं college के लिए. It's not just about studying, it's about becoming an all-rounded person. आ रहा है music albums का मतलब वक्त finally वापस आ चुका है and I'm known for music albums. तो मैं कोशिश कर रही थी कि ये साल में आ जाए, हल्का सा डिले हो गया है, बट कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है.